हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि हम यहाँ पे जो है यानी कार पार्किंग में हैं और आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ फ्लाइट के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत सारे भाई जो फ्लाइट के बारे में बराबर जो है पूछते रहते हैं, ओके, सवाल करते रहते हैं। तो सऊदी अरब के फ्लाइट के बारे में बात करेंगे पहला। तो ऑलरेडी मैं पहले तो बता चुका हूँ, पहले आपको जो है यहाँ का ये पार्किंग का लुक दिखा देता हूँ। ये जो जहाँ बैक लुक जो दिख रहा है जहाँ तक वो पार्किंग है, ओके। और हमारे इस साइड भी जो है आप देख सकते हो, और लंबाई में भी जो है ना तो बहुत ज़्यादा है। ये अंडरग्राउंड का पार्किंग है, ओके। और ये जो है ना यानी सरकारी, ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। और इसका जो है ना नाम जो है कैर हॉस्पिटल है, और सऊदी अरब इमाम अहमद हम्बल और 14 नंबर में है, ओके। तो मैं सोचा था आया हूँ यहाँ पे तो कुछ मैं सेल्फी वगैरह यानी आप सबको कुछ खबर कर देता हूँ, ओके। और बहुत सारे कमेंट में भाई भी बोले थे, तो हम बता नहीं जा रहे हैं। जैसे कि यानी 1 मार्च तक जो बताया गया था कि खुल जाएगा, तो यहाँ का जो ना हेल्थ मिनिस्टर जो ना यानी माहौल यानी ऑल कंट्री के जो देखते हुए यानी देख रहा है कि ऊपर नीचे माइनस प्लस हो रहा है, और 2 क्वालिटी का जो ना कोरोना भी आ चुका है। तो वो सब देखते हुए जो ना यानी 17 मई तक जो ना कर दिया हुआ, ओके। यानी अभी कोई भी बंदा नहीं आ सकता, 17 मई तक ही आ सकता है, अभी कोई फ़ायदा नहीं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कोई एजेंट या कोई ऑफिस वाले वगैरह जो सऊदी अरब के बारे में बताते कि भैया हम जाना चाहते हैं, ये ऑफिस वाले बोलेंगे कि हम भेज देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सब जो है ना फैक है। उन सब के बहकावे ना आए, आओगे तो फिर आप खुद पछताओगे, ओके। क्योंकि उन सब का जो है ना पैकेट खर्चा जो है ना नहीं है, तो सब जो है ना यानी जो ठूस कह कर जो ना आपको लाजमी फंसाएगा, फंस गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और फिर 17 मई तक कर दिया, कोई गारंटी नहीं है कि उससे भी आगे भी बढ़ सकता है। क्योंकि जब तक जो ना पूरा ऑल कंट्री में वैक्सीन नहीं पहुंच जाएगा, अच्छा से काम नहीं करना चालू हो जाएगा, तब तक जो है ना यानी हमारे ख्याल से यहाँ पाबंदी ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ना सेफ्टी का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि बाहर वगैरह में जो घूमते हैं फिरते हैं, तो यहाँ पर मास्क लगाना ज़रूरी है, समझ रहे हैं? हम यही कहेंगे, और हम तो यही कहेंगे कि आपको यानी इंडिया में अब कोई भी भाई जो बहुत सारे भाई ये भी पूछते रहते हो यार इंडिया में जो ना कितना पैसा कमा रहे हैं, तो नहीं आए। कम से कम हम यही बताना चाहेंगे कि इंडिया में जो ना आप जो ना 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो वो आने का फ़ायदा नहीं। बाकी उससे ज़्यादा कमाना चाहते हो तो फिर आ सकते हो, ओके। लेबर कैटेगरी में आप जो ना, मैं क्लियर बताता हूँ, कोई भी लेबर कैटेगरी में आप आओगे तो आप 20 हज़ार यानी आप 20 हज़ार तक कमा सकते हो। और कोई टेक्निकल में आओगे तो फिर, या ड्राइविंग ही में आते हो तो 25 हज़ार तक कमाओगे फर्स्ट टाइम, और बाकी जो है ना उसके बाद जो है ना थोड़ा कुछ ज़्यादा भी कमा सकते हो, उससे पहले कुछ नहीं कमा सकते, हम यही कहना चाहेंगे। और कोई भी सवाल हो तो डायरेक्टली आप जो है ना कमेंट हमें करें, ओके। कमेंट करके हम डायरेक्टली आप सवाल कर सकते हैं, ओके। जो भी होगा पूछना होगा तो इंशाल्लाह मैं उसका जो हमसे जो भी हो सकता है मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ओके। तो अभी फ़्लाइट वगैरह जो है ना बंद है, हम एक बार और रिपीट करते हैं, यानी फ़्लाइट जो है ना 17 मई तक हो चुका है, ओके। और बाकी आप सब जो है ना यानी जो कोई ऑफिस वगैरह जो बोलते हैं कि हो जाएगा, तो ये सब समझिए एक जो है ना ये पैसा ठगने का काम कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। और बाकी फंसना चाहते तो आप खुद फंसिए, बाकी हम सब हम यहाँ से ऑलरेडी है, ये देख रहे हैं यहाँ का हालात कैसा है। तो यहाँ का हालात तो नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं चाहते कि और कोई परेशानी बढ़े, इसीलिए जो है ना टाइम डेट जो है ना आगे पीछे कर रहे हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बेमान अल्लाह। और आप सब भी जहाँ भी होंगे खुश होंगे, और हम यही दुआ करेंगे कि जो भी भाई जो ना मजबूर हो काम वगैरह के लिए, तो अल्लाह सुबहान व तआला ऐसा रोजी रोटी दे कि घर से कहीं जाना ना पड़े, हम यही दुआ करेंगे। तो माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।